और दोस्तों क्या हाल चाल, इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 20 रुपए से आप 2000 रुपए कैसे कमा सकते हो ट्रेडिंग करके। इनफेक्ट मैं भी आपके सामने सिर्फ 20 रुपए से ट्रेडिंग करने वाला हूं और ये आपके सामने बिल्कुल लाइव होगा विथ प्रूफ। और अभी मैंने कम्युनिटी में पोल भी निकाला था कि कौन लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करने में या इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। अब दोस्तों प्ले स्टोर पे ना बहुत ही कम ऐसी एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसमें अपन 20 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिनमें से सिर्फ 3 एप्लीकेशन ही यहाँ पे पॉपुलर है, रूबिक ट्रेड, ब्रिक ट्रेड एंड गुरु ट्रेड 7। अब देखो यार, ये तीनों एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई है और इन एप्लीकेशन की सबसे खास बात यह है कि अपन सिर्फ 20 रुपए से इसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात को ध्यान से समझना, ब्रिक ट्रेड और रूबिक ट्रेड का आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये दोनों एप्लीकेशन फेक है। हाँ, इनमें अपन ट्रेडिंग तो कर सकते हैं 20 रुपए से, लेकिन जब एप्लीकेशन ही रियल नहीं होगी तो अपन ट्रेडिंग करके बेनिफिट कमाएंगे कैसे? तो यहाँ पे अपनी सिर्फ एक एप्लीकेशन बचती है जिसका नाम है ग्रो ट्रेड 7। और बाय द वे ये बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन का यूज कैसे करना है चलो मैं आपको बता देता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। अच्छा यार, एक बात ना मुझे पहले कमेंट करके तुम ये बता दो कि अभी जो तुम यहाँ पे मोबाइल यूज कर रहे हो उसमें कितनी जीबी रैम है, 2 GB, 4 GB या फिर 8 GB। तो कमेंट करके मुझे बताना कि आपके मोबाइल में कितनी जीबी रैम यहाँ पे है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ग्रो ट्रेड 7 को यहाँ पे ओपन कर लेंगे और ओपन करते ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस अपने को मिलेगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं, इस एप्लीकेशन को यूज करना ना भाई हद का सिंपल है। अगर आप पहली बार भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो इस एप्लीकेशन की मदद से आपकी ट्रेडिंग यहाँ पे हो जाएगी। अब जो जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ ना, सिंपल इसको फॉलो कर लेना और सारी टेंशन भूल जाना। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस अपने को मिलेगा इस एप्लीकेशन के अंदर। अब दोस्तों जो मेन बातें है ना वही मैं आपको बताऊंगा, सारी बातें बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब एक बात तुम समझना, अपन कहीं पर भी अगर लड़ाई करने के लिए जाते हैं मोहल्ले में या फिर दोस्तों के बीच में, वैसे मैं लड़ाई की रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ लेकिन एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो कहीं पे भी अगर अपन लड़ाई करने के लिए जाते हैं तो साथ में हथियार तो लेके अपन जाते हैं ना कि खाली हाथ चल जाते उठकर। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर भी हथियार यहाँ पे चार्ट को बोला जाता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके हथियार यहाँ पे आपके चार्ट से। तो गुरु ट्रेड 7 जो एप्लीकेशन है ना, इसके अंदर ये वाला जो आइकोन है ना, इसके अंदर अपने को 4 पॉपुलर यहाँ पे चार्ट्स टाइप मिल जाते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे अपना जो अप्लाई हो रखा है, उसके बाद कैंडल है, बार है और इसी तरीके से अपने को 4 यहाँ पे मिलते हैं। अब सबसे ज़्यादा चार्ट जो यहाँ पे यूज़ होता है या फिर जिसको यूज़ करने से बेनिफिट यहाँ पे ज़्यादा होता है वो अपना यहाँ पे कैंडल चार्ट है, क्योंकि इसके अंदर अपने को साफ साफ पता चल जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो चार्ट है वो काम कर रहा है। अपने को ट्रेडिंग के समय पे पुट लेनी चाहिए या कॉल लेनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से कैंडल चार्ट यहाँ पे बेस्ट है। अब देखो ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है ना गाइस, ये सबसे मेन इंटरफेस है इस पूरी एप्लीकेशन का। और अगर आपने इस इंटरफेस को समझ लिया ना तो 99% आप ट्रेडिंग करना सीख गए, क्योंकि चार्ट को देख के ही ट्रेडिंग करते हैं भाई। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको दिख रही है ना, भले आप इसको इग्नोर कर दो, चार्ट को समझ लेना। ओके दोस्तों, अब सबसे मेन मसाला पूरी वीडियो का कि ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है ग्रो ट्रेड 7 के अंदर। अब ये जो चार्ट है ना भाई, ये लगातार ऊपर जा रहा है। अब एक बात आप समझना कि अगर इस चार्ट को मैं पिछले वाले चार्ट के कंपेयर में स्टडी करूं, जहां पे ये पिछली बार अपर लेवल पे गया था, तो उससे ये लगातार डाउन में ही जा रहा है। समझना चीज़ को, ये आप देख सकते हो कि अभी जो चार्ट की पोजीशन है वो नेगेटिव में जा रही है और ये लगातार नीचे की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन इसका जो अपर ब्रेकआउट है ना, वो इसने लास्ट इस टाइप पे पोजीशन बना के छोड़ दिया था, ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, यहां तक बात अपने को समझ में आएगी। अब इसका चार्ट का जो मूवमेंट है, करंट मूवमेंट, उसको 2 मिनट में अपन को समझना है। ठीक है, तो ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ मूव लगातार कर रहा है, इस वजह से अपने को कॉल लेनी चाहिए। तो सिंपली मैं 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करता हूँ, वैसे आप 30 रुपये 50 रुपये का भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम मैंने यहाँ पे 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट प्लान लिया है। अब मैं यहाँ पे कॉल बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड कंफर्म। अब यहाँ पे जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये ग्रीन लाइन, ये जो आप देख रहे हो, इसके ऊपर अगर चार्ट मूव करता है या इसके ऊपर चार्ट चल जाता है तो मेरी ट्रेड यहाँ पे सक्सेस हो जाएगी। एंड अगर चार्ट इसके नीचे की तरफ मूव करता है तो डेफिनेटली मेरी ट्रेड यहाँ पे सक्सेस नहीं होगी। अब थोड़ा सा मुझे वेट करना है और जो भी हो रहा है आपके सामने लाइव हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को कट वट नहीं करने वाला हूँ, जो भी होगा आपके सामने लाइव होगा। वैसे मैंने 1 मिनट का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे लिया है और मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा बॉस कि अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो मिनिमम यहाँ पे 5 से 10 मिनट का ही टाइम ड्यूरेशन लेना, क्योंकि तुम नए हो इसलिए तुम्हें इतना एक्सपीरियंस होगा नहीं स्टार्टिंग में। मैं तो ट्रेडिंग करता रहता हूँ इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है, मैं जल्दी जो यहाँ पे चार्ट उसको एनालिसिस कर लेता हूँ। टेक्निकली एनालिसिस थोड़ा मेरा फास्ट है चार्ट को ओवरव्यू समझने में,
तो मैंने यहाँ पे जो प्रिडिक्शन था या फिर मेरा जो यहाँ पे पूरा स्ट्रेटेजी थी प्लान की, वो मैंने जल्दी में ले ली, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना है और 5 से 10 मिनट का ही गैप में आपको ट्रेडिंग करनी है। ओके गाइस, अपना वक्त यहाँ पे होने वाला है और गाइस ये देख लो सक्सेसफुली अपना ट्रेड यहाँ पे सक्सेस हो गया है। अब दोस्तों आपके सामने जो भी हुआ वो लाइव हुआ है। 20 रुपये में अपने ट्रेडिंग करी थी, 14 रुपये का अपने को बेनिफिट मिला है एंड टोटल जो अपना इन्वेस्टमेंट था या फिर अपना जो अपने को प्रॉफिट मिला है वो 34 रुपीज़ मिला है। तो इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। ओके, अब मैं देख रहा हूँ कि चार्ट लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि अपर ब्रेकआउट जो था ना इसने उसको ब्रेक कर दिया, तो मैं नीचे की तरफ पुट वाले पे जाके कंफर्म कर देता हूँ। पुट हमेशा नीचे की तरफ होता है और कॉल हमेशा ऊपर की तरफ होता है। अगर चार्ट यहाँ पे लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और आपको लग रहा है कि ये और ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको सिंपली कॉल बटन पे क्लिक कर देना और वेट करना है। लेकिन चार्ट अगर नीचे की तरफ जा रहा है और आपको लग भी रहा है कि आने वाले टाइम पे भले 1 मिनट या 5 मिनट में ये नीचे की तरफ ही मूव करेगा, तो आपको फिर यहाँ पे पुट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब मैं इसको भी वेट कर लेता हूँ कि क्या यहाँ पे पोजीशन होने वाली है। और ये जो भी हो रहा है ना भाई, ये आपके सामने लाइव हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में चल रही है और मोबाइल में भी ये सारी चीज़ें लाइव हो रही है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि लाइव विथ प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 20 रुपये से मैं ट्रेडिंग करते हैं और 2000 रुपये तक कमा सकते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे जो मेरी ट्रेड है वो लगातार नीचे की तरफ ही मूव हो रही है और जो चार्ट टाइप है उसको मैंने अच्छी तरीके से समझा है, इसी वजह से मेरी जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पे सक्सेस हो रही है। तो थोड़ा सा वेट और अपन करते हैं क्या होने वाला है आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। और एक बात ध्यान रखना, जो भी हो रहा है ना आपके सामने लाइव हो रहा है एंड वापस अपने को बेनिफिट मिल गया है, 14 रुपये का बेनिफिट, 34 रुपीज़ अपने को टोटल यहाँ पे क्या कहते हैं अपना प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे हिसाब से दोनों कॉल जो थी ना वो अपनी सक्सेस बन गई है। और अगर मैं आपको हिस्ट्री में जाके बताऊं तो 20 रुपये से अपन ने ट्रेडिंग करी थी पोर्ट के अंदर, वो सक्सेस होगी एंड उसके पहले अपन ने कॉल के अंदर ट्रेड करी थी 20 रुपये से, वो भी अपनी सक्सेस होगी। ऑलराइट दोस्तों, आप ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग अपन को कैसे करनी है गुरु ट्रेड 7 के अंदर। अब गाइस, ये वीडियो का ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटी दे रहा हूँ जिस किसी ने भी इस पार्ट को समझ लिया ना, वो 99% अपनी ट्रेड को सक्सेस बनाएगा, जैसे कि मैंने बनाई है। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, उसको पूरा ध्यान से समझना और ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। अब यार एक बात समझना, स्टॉक मार्केट में ना दो चीज़ काम करती है, एक तो होता है ट्रेडिंग और एक होता है इन्वेस्टमेंट। अब ऑब्वियसली अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला यहाँ पे काम होता है कि अपने को दो टाइप के एनालिसिस यहाँ पे समझना होता है, पहला है फंडामेंटल और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। अब ऑब्वियसली आपने फंडामेंटल टेक्निकल इन दोनों का नाम सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, किस तरीके से काम करते हैं और अपनी कैसे मदद करते हैं ये ट्रेडिंग को सक्सेस बनाने में, ये मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली ये एक टाइप का मेथड है जिसके अंदर अपन एवेल्युएट करते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू को। ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या बोला, तो मैं और सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। देखो, फंडामेंटल के अंदर सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि जिस भी कंपनी के अपन शेयर में ट्रेड कर रहे हैं उसके शेयर की वैल्यू कैसी है, कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, और इसके अलावा सबसे मेन बात कि कंपनी के जो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो यहाँ पे कैसा है। और एक बार जानकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे मेन सिद्धांत ये होता है कि चार्ट के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देना। मतलब चार्ट की मूवमेंट कैसी है, स्टॉक का भाव क्या चल रहा है, उससे फंडामेंटल एनालिसिस में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अपन कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू को समझते हैं, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है वो समझते हैं। तो ये जो फंडामेंटल है ना, ये ज़्यादातर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में काम आता है। अगर आप यहाँ पे 5 साल या 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस केस में आपको फंडामेंटल एनालिसिस इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। लेकिन गाइस, अपन तो यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिंग भी कैसी, 1 मिनट 5 मिनट और 10 मिनट की, तो उसके अंदर अपने को टेक्निकल एनालिसिस का सबसे ज्यादा काम पड़ता है। अब यहाँ पे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। इसके अंदर अपन करंट और हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे फ्यूचर डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं। इसका मतलब पहले अपन को यह समझना पड़ता है कि चार्ट की जो करंट वैल्यू है या चार्ट का जो करंट पैटर्न है वो कैसे काम कर रहा है, और इससे पहले चार्ट की जो मूवमेंट थी या उसका जो पैटर्न था वो यहाँ पे कैसे काम कर रहा था। तो चार्ट को समझना एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है, एक बहुत बड़ा यहाँ पे काम होता है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में पायनियर होना पड़ेगा। मतलब आपको समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में ये जो चार्ट है इसका पैटर्न कैसे काम कर रहा है, चार्ट किस तरीके से यहाँ पे पोजीशन बना रहा है, किस तरीके से उसकी मूवमेंट है मार्केट में, तब जाके ही आप अपनी ट्रेड को सक्सेस बना सकते हो। अब मेरे भाई, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि गुरु ट्रेड 7 को यूज़ मत करना, और इसके सबसे मेन वजह यह है कि रियल अकाउंट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो उसकी विड्रॉ प्रोसेस कई बार अटक जाती है, और मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता ये एप्लीकेशन।
अब अगर अपन को सिर्फ सीखने के लिए ट्रेडिंग करनी है तब तो ग्रो ट्रेड 7 है डेमो अकाउंट से, लेकिन जब अपन यहाँ पे सीख जाएंगे तो अपने को एक अच्छी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ ऑनलैम्प ट्रेड। भाई ये एप्लीकेशन बिगिनर और एडवांस के लिए ही बनाई गई है और इसके अंदर अपने को फ्री वेबिनार भी मिलते हैं जिसके अंदर ये एप्लीकेशन आपको खुद सिखाती है कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, किस तरीके से चार्ट को समझा जाता है, किस तरीके से टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ली जाती है और ट्रेडिंग को सक्सेस बनाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज़ करा जाता है। तो इस एप्लीकेशन का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि इसके अंदर अपने को फ्री वेबिनार मिलता है। इस एप्लीकेशन के अंदर विड्रॉ और डिपॉजिट की प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट है और इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप आराम से इस्तेमाल इसको कर सकते हो। तो गाइस आप यहाँ पे ऑलम ट्रेड एप्लीकेशन का ही यूज़ करना जब आप यहाँ पे ट्रेडिंग को सीख जाओगे। अब दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चार्ट टाइप और चार्ट के अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप चाहते हो ना किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं कि चार्ट को किस तरीके से समझा जाता है और ट्रेडिंग को कैसे सक्सेस बनाया जाता है चार्ट को समझ के, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के टॉपिक के ऊपर लेकर आऊंगा कि चार्ट को कैसे समझा जाता है और चार्ट के ऊपर काम करके कैसे ट्रेड को सक्सेस बनाया जाता है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ये भी बता देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप ये दोनों वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैंने बता रखा है कि 0 रुपए में अपन कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और इस वीडियो के अंदर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बता रखा है जो अभी पूरे बूम पे चल रही है मार्केट के अंदर। तो ये दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा काम की है, इन दोनों को आप जाके आराम से देख लेना टाइम मिले तो। तब तक के लिए बाय।